मैं फॉर्मल इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हूँ। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और 97-98 में मैं इंडिया के लिए खेल चुका हूँ। आपको किसी फील्ड में अगर आपको हाइट पर जाना है, कुछ लाइफ में अचीव करना है, तो उसके सबसे पहली चीज आपको आप मेंटली स्ट्रांग बहुत होनी चाहिए। तो जो मेंटल स्ट्रेंथ है आपका, वो अलग हर किसी आदमी का अलग अलग हो सकता है। किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरा एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए फास्ट बॉलर मेंटल स्ट्रेंथ था, वो था डिसिप्लिन अपने आप पे। वो मुझे लगता है कि मेरा मेंटली स्ट्रेंथ था ऊपर हिंदुस्तान खेलने का। जो आज भी मैं, अगर मैं अपना पीछे देखता हूँ जब मैं खेलता था, तो मैं क्या सोचता था ड्यूरिंग प्लेइंग डेज में, तो मुझे लगता है मेरा अपने ऊपर जो डिसिप्लिन था, वो ही मेरा मेंटल स्ट्रेंथ था जिसने मुझे इस चीज तक ऊपर लेके गया। तो सबका अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा आपका जो हंगर है वो भी आपका मेंटल स्ट्रेंथ हो सकता है। आपकी जो नीड्स है वो भी किसी की मेंटल स्ट्रेंथ हो सकती है। तो ये हर किसी का अलग अलग है। एज ए फास्ट बॉलर, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, मेरा जो मेंटल स्ट्रेंथ था, मुझे लगता है वो डिसिप्लिन था। हंगर तो नेचुरल था ही कि मुझे हिंदुस्तान के लिए खेलना है। और जब तक मुझे था कि मैं खेलूंगा नहीं, जो इंडिया की टी शर्ट वेयर नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो मुझे लगता था कि वो जो मेरा एक स्ट्रेंथ था, मेंटल स्ट्रेंथ, वही था। और उसी चीज ने मुझे ऊपर इंडिया की टीम में लेके आया। एंड दैट वाज द फॉर्मर पेसर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, मिस्टर हरविंदर सिंह। एज ही सेड, मेंटल स्ट्रेंथ इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड। Thus, it's imperative for us to determine what mental strength actually means and how it will help us in the long run. So thank you all for watching, and please stay tuned in for more amazing content to come from Mental Strength Matters.